हेलो बच्चों, आज हम आपकी बुक का 13 चैप्टर करेंगे। इसमें मैं आपको पोमेग्रेनेट में कलर करके दिखाऊंगी। वाटर कलर करने हैं हमें इसमें। तो सबसे पहले मैं येलो में हल्का सा रेड मिक्स करके इस तरह से कलर करना है। हाईलाइट के लिए ये पोर्शन आपको छोड़ देना है। इस तरह से हम येलो में हल्का सा टच देंगे रेड का और इस तरह से कलर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा येलो में हम रेड और मिला लेंगे, ऑरेंज कलर बना लेंगे हम और इस तरह से कलर। इसे थोड़ी देर सूखने देंगे, फिर हम अगला कोट करेंगे। तो जब तक हम ऊपर पत्तियां और उसकी डंडियां बना लेते हैं, तो उसके लिए मैं येलो कलर ले रही हूँ। से येलो कलर कर लेंगे, अब ग्रीन कलर लेंगे। और ग्रीन में हल्का सा पर्सल ब्लू मिक्स करेंगे। इस तरह से सबसे पहले तो हम आउटलाइन कर लेंगे। ब्रश धो के हल्का सा पानी लेके मिक्स करें, पूरा मिक्स नहीं करना, हल्का हल्का सा। अब हम रेड कलर लेंगे। हल्का सा पेंसिल रेड मिलाएंगे, थोड़ा सा ब्लू कलर। इस तरह से कलर करेंगे। Thank you.
थ्रेड लेंगी, ब्रश को पोंछ के आप वो फ्लैट ब्रश लीजिएगा और उससे आप इसको मिक्सिंग कीजिएगा और फिर हल्का सा इसको इस तरह से रोजाएंगे। ब्रश को धोते रहेंगे आप और पोंछते रहेंगे, हल्का सा पानी लेके फिर आपको यहाँ पे मिक्स करना है। यहाँ पे और कोई कलर नहीं आना चाहिए, हल्का हल्का टच देना है। अब हम नीचे का करेंगे रेड कलर लेके ऐसे थोड़ी सी आउटलाइन कर लेंगे और ब्रश धो के इसको हल्का सा पानी लेके मिक्स करेंगे। पूरा मिक्स नहीं करना है, हल्का हल्का मिक्स करना है। रेड कलर दिया और हल्का सा पानी देके इसको इस तरह से करेंगे। आप हमें इसके ग्रीन में कलर करना है, पर्सन ब्लू में हम ग्रीन मिक्स करेंगे और एक डार्क कलर बन लेंगे। कहीं कहीं टच देंगे इसको, अब हम क्या करेंगे हल्का सा ब्राउन कलर लेंगे जरा सा और कहीं कहीं इसकी जो डंडी है उसमें टच देंगे। ब्रश धो के हल्का सा पानी लेके इसको मिक्स कर, तो इस तरह से हमारा पॉमेग्रेनेट में वाटर कलर से पिक्चर तैयार है।